हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरे सर्किट्स की। इससे पहले गाइज अपन बात करें एक्सरे जनरेटर की, एक्सरे ट्यूब, एनोड, कैथोड, उसके टाइप सब कुछ अपन बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उसको चेक जरूर करोगे। तो चलिए गाइज आज का टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाके भी पूछ सकते हो। तो ये देखिए गाइज, एक्सरे सर्किट्स इनका काम क्या होता है, ये देखिए, इट इज़ अ सर्किट दैट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मोडलिटी। कोई भी मोडलिटी है, कोई भी चीज़ है, आप हर एक जगह अपने को ना सर्किट देखने को लगेंगे। अपने घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके अंदर एक अपने को एक बोर्ड देखने को मिलेगा, तो वो एक सर्किट है। वहाँ क्या है, वहाँ जो भी उसका पूरा सिस्टम है ना, उससे कनेक्ट है और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है कि कम सप्लाई देनी है, ज़्यादा सप्लाई देनी है, ये चीज़ ज़्यादा है, कम है, वो सारा फैक्टर वहाँ डिपेंड करता है। फ्यूज वगैरह उसी सर्किट से अटैच होगा, सारा कंसेप्ट बोल सकते हैं। उसका ब्रेन, अगर आप एक सीपीयू देखते हैं तो उसके अंदर भी अपने को मदरबोर्ड, उसके अंदर पूरा सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे। वो एक सर्किट बोर्ड है, तो उसके अंदर अलग अलग सर्किट है, कहीं अपना रैम है, कहीं अपनी रोम उसमें अटैच्ड है, हार्ड डिस्क के सर्किट देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह अपना एक्सरे के अंदर भी एक सर्किट होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी गाइस, ये देखिए, इसी एक एक्सरे सर्किट के अंदर तीन सेक्शन देखने को मिलेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं छोटे छोटे सब सर्किट्स देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर पहला सर्किट होगा लो वोल्टेज सर्किट, जो उसके साथ साथ अपने को एक फिलामेंट सर्किट देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ एक हाई वोल्टेज सर्किट देखने को मिलेगा। ये तीन सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। फिलामेंट सर्किट, ठीक है गाइस, फिलामेंट सर्किट क्या होगा, सिंपली आप बोल सकते हैं वो ट्यूब को हीट करेगा थर्मोनिक इमिशन के लिए। इसको चलो आगे आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज सर्किट, ये अपने को तीन सर्किट देखने को मिलेंगे। इनको आप थ्री सेक्शंस बोल सकते हैं एक्सरे सर्किट के, या फिर आप सिंपली सब सर्किट भी बोल सकते हैं एक्सरे सर्किट बोर्ड के। देन कह रहे हैं कि ईच सर्किट कैन स्पेशली ट्रांसफार्मर, और हर एक सर्किट के पास अपना एक उसका ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखनी है ट्रांसफार्मर क्या है, या आई थिंक आप प्लस टू के अंदर कवर कर चुके हैं, नहीं किया तो अपना बहुत जल्द इस पे एक्सरे ट्रांसफार्मर में अपन पूरी वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ कुछ इस तरह अपने को ये डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ से एक से मेन सप्लाई आ रही है, फिर यहाँ लाइन मीटर, फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ मेजर केवीपी पे हो गया, माइनर केवीपी पे सर्किट हो गया। उसके बाद ये फिर एक सर्किट यहाँ फिलामेंट की तरफ अपना कनेक्ट हो रहा है, फिलामेंट से फिर उधर अपना ये एक्सरे ट्यूब देखने को मिल रही है ना, एमएस हो गया, फोकस पोर्ट सिलेक्शन, यहाँ अपने फिर एक्सपोजर टाइमर हो गई फिफ्थ और सिक्स नंबर पे, फिर ये हाई वोल्टेज सर्किट एक तरफ हो गया जहाँ एक्सरे ट्यूब है, जहाँ एक्सपोज वगैरह अपना एक्सरेज वहाँ से निकलती है, और दूसरी तरफ अपना लो वोल्टेज सर्किट हो गया। ठीक है, और इन्हीं सब के बीच में आएगा एक फिलामेंट सर्किट। तो ये तीनों सर्किट का डायग्राम इस तरह अपने को देखने को मिलेगा। लो वोल्टेज, इट इज द सब सर्किट बिटवीन एसी करंट पावर सप्लाई एंड द प्राइमरी साइड ऑफ हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये देखिएगा, जहाँ एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है अपना, तीन नंबर वाला एक ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर वाला, और इसके पास अपने को यहाँ क्या देखने को मिलेगी, एक एसी सप्लाई। तो ये देखिएगा, तो ये कंसेप्ट होगा कि ये एक सब सर्किट है एसी करंट, जो मेन अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे, और जो प्राइमरी साइड होगी हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ठीक है जी, एक अपना ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, देन ये कह रहा है कि विद एक्सेप्शन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑल ऑफ डिवाइसेस ऑफ द सर्किट आर एक्चुअली कनेक्टेड। और एक अपन ले सकते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये एक इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है, और बाकी जो अपना सारा सिस्टम है ना, जो भी डिवाइसेज एक्सरे में लगे हैं वो सारे किसे कंट्रोल करें, पर कंट्रोल कंसोल से अपने कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये सप्लाई को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, इसको डायरेक्ट ये जिस टाइम अपने को काम करें उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत इसको एक्सचेंज करता रहेगा। तो इसका कंसेप्ट अलग है, ये डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट है, बाकी जो सारा सिस्टम अपना कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देखिएगा, यहाँ एक से सप्लाई आएगी, फिर ये अपना ये नीचे की तरफ लो वोल्टेज कंप्रेसर, ये अपना उसमें चल जाएगा फिलामेंट सर्किट के अंदर, और ऊपर ये देखिए माइनर, मेजर, केवीपी, टाइमर, और ये सारा सिस्टम अपने को इस लो वोल्टेज सर्किट के अंदर देखने को मिलेगा। ये फिर बोल सकते हैं अपने जो जहाँ से आप कंसोल के अंदर एमएस के यूपी सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ अपने को लो वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिल रही है गया। ठीक है, देन कह रहे कि कंट्रोल कंसोल इज द यूनिट वेयर द ऑपरेटर सेट ऑल एक्सपोजर टेक्निक्स। और कंट्रोल कंसोल क्या होगा, जहाँ ये पहले पर बात कर चुके हैं ना कि अपने बोर्ड के पीछे जहाँ पर एमएस के यूपी सेलेक्ट करते हैं वहाँ अपने को लो सप्लाई देखने को मिलेगी। बस एक एक्सेप्शन ये होगा कि जो अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसकी डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट होगा, उसको अपन नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है गाइज, उसके सप्लाई को पकड़ कर सकते हैं, अपने पास वहाँ सर्किट्स होंगे, मिनी एमसीबी देखने को मिलेगी, उनसे अपन इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कंट्रोल कंसोल एक ऐसी यूनिट है जहाँ जो भी ऑपरेटर है वो सारी एक्सपोजर टेक्निक्स को वहाँ से सेट करता है। उसके बाद ये एसी सप्लाई है, जो एसी सप्लाई आ रही है जो बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बोल सकते हैं पावर सप्लाई आ रही है अपने पावर हाउस से, वो है, या फिर कोई लोकल कंपनी होगी DHVVN जिस भी लोकेशन में आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड की गई है इनको। तो ये कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर अपन देखा था ना,
देखिए गाइस, जहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसका क्या काम है? सिंपली ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो सिंगल कोइल ट्रांसफार्मर, ये क्या एक सिंगल कोइल ट्रांसफार्मर है। ये देखिए गाइस, सिंगल कोइल अपने को ये देखने को मिल गई लाइन, ये पूरी काफ़ी बड़ी लाइन अपने को देखने को मिल रही है, ये कोइल यहाँ, और इनमें ये माइनर मेजर और टाइमर, ये अपने मीटर वगैरह लगे हैं। तो ये कह रहा है कि दैट सिर्फ 3 फंक्शन है और इसके 3 फंक्शन है। मीन्स ये क्या कहता है, केवीपी सिलेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि केवीपी सिलेक्शन और अपना केवीपी किलो वोल्टेज पीक में अपना करंट सिलेक्शन यहीं से हो रहा है। उसके बाद जो भी कोई लाइन वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको कंपनसेट यही करेगा, और उसके बाद ये जो पावर सप्लाई है और सर्किट्स को यही देगा। ये देखिए गाइस, यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा था, इन्होंने क्या बात की थी कि दैट सिर्फ 3 फंक्शन, इट प्रोमिन केवीपी सिलेक्शन, मेजर और माइनर केवीपी के लिए हो गया। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि कोई फ्लक्चुएशन हो गया इनकमिंग लाइन वोल्टेज में, अपना कोई टाइमर वगैरह सेट करें, वो सारा इसके अंदर सेट हो रहा है। उसके बाद 9th पॉइंट ये देखिएगा, ये फिलामेंट, मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा बोर्ड बच गया उसको भी सप्लाई यहीं से आगे जा रही है, फिलामेंट सर्किट हो, ये बात यहाँ कही जा रही है, जो भी अदर पार्ट्स सर्किट के वहाँ से सप्लाई इसी ऑटो ट्रांसफार्मर से जाएगी। देन कह रहे हैं कि एक्सपोजर स्विच क्लोज द सर्किट एंड अलोइंग इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू प्राइमरी साइड ऑन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक्सपोजर स्विच क्या करता है, ये सर्किट को क्लोज कर देगा ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने जो पावर सप्लाई है वो पूरे प्राइमरी साइड से का जो अपना ट्रांसफार्मर है उससे बिल्कुल प्रॉपर फ्लो हो सके। ठीक है, एक्सपोजर स्विच का ये काम हो गया। उसके बाद एक्सपोजर टाइमर, कोई भी डिवाइस के अंदर एक्सपोजर टाइमर क्या करेंगे, कितने टाइम तक एक्सपोज होना है, जितने भी आप उसके अंदर सेकंड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर करंट सप्लाई को स्टॉप कर देगा। एक्सपोजर स्विच को ये क्या करेगा, ओपन अप कर देगा, सिंपली बोल सकते हो यहाँ मे बी। देन कह रहा है कि फिलामेंट सर्किट, फिलामेंट सर्किट कहाँ होगा, अपना एक्सरे ट्यूब वाला जिसको बोल सकते हैं, कैथोड को ये हीट करे वो बोल सकते हैं अपना, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को यहाँ समझ आ जाएगा। प्राइमरी पर्पज ऑफ फिलामेंट सर्किट इज टू सप्लाई द लो करंट टू द हीट ऑफ एक्सरे ट्यूब फिलामेंट। एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट कौन सा होगा अपने को, कैथोड, एनोड अपना टारगेट। तो कैथोड को हीट करने के लिए फिलामेंट सर्किट का यहाँ यूज किया जा रहा है, और फिलामेंट सर्किट क्या करें, यहाँ थर्मोनिक इमिशन बन रही है इलेक्ट्रॉन्स की इसी सर्किट के कारण। यही सर्किट क्या करें, जैसे ही आप वहाँ उसमें सेट करेंगे, जैसे सिंपल उसको हाफ प्रेस करते हैं ना अपने एक्सपोजर को, तो यहाँ ये क्या होगा, फिलामेंट सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और ये सप्लाई लेगा लो सर्किट से सप्लाई लेके, और फिर वहाँ थर्मोनिक इमिशन हो जाएगी, उसको हीट करना स्टार्ट कर देगा कैथोड को। जैसे ही कैथोड को हीट होगी तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देन कह रहे हैं कि फिलामेंट सर्किट इज एक्टिवेटेड एनी टाइम द ऑपरेटर एडजस्ट एमए ऑन द जनरेटर। सिंपली कह रहे हैं, जैसे आप एमएमएस पहले एमए सेलेक्ट करें ना, पहले क्या बोलते उसको हाफ प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप सिंपली बात करें तो ये कह रहा है कि जो फिलामेंट सर्किट है ये एक्टिवेट उसी टाइम हो जाएगा जिस टाइम आप एमए को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितने आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो मिली एम्पियर, जितना करंट सेलेक्ट करें, जितना आप करंट सप्लाई दे रहे हैं उतना, जैसे उसको करेंगे तो वो कंप्रेसर अपना प्रेस हो जाएगा, अंदर से प्रेस होते फिर वहाँ क्या होगा, सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई होगी तो वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, थर्मोनिक इमिशन हो जाएगी वहाँ। देन कह रहे हैं कि ये देखिए गाइस, एमए सिलेक्शन, जैसे एमए सिलेक्शन को अपन यूज किया तो यहाँ उसके बाद ये स्टेप डाउन की तरफ आ जाएगा, लेकिन एमएमएस सेलेक्ट करते यहाँ क्या होगा गाइज, इलेक्ट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे अपने और थर्मोनिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली ये डायग्राम कह रहे हैं, उसके बाद ये स्टेप डाउन से होता हुआ तो आगे सप्लाई जा रही है हाई वोल्टेज में। ये कह रहा है कि इट इंक्लूड्स एक्सरे ट्यूब एंड रिएक्टिफायर यूनिट। और ये हाई वोल्टेज सर्किट सिंपली क्या करता है, इसके पास एक एक्सरे ट्यूब होगी और उसके बाद इसके अंदर रिएक्टिफायर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये सारा कंसेप्ट इनके अंदर है, रिएक्टिफिकेशन का हो गया, ये सारा काम इसके अंदर हो रहा है। सिंपली अपन बेसिक सी बातें करें तो यहाँ कह रहा है कि करंट फ्लोज इन दिस सर्किट ओनली ड्यूरिंग एन एक्सपोजर। और हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर जैसे आप एक्सपोज करेंगे उसी टाइम यहाँ करंट निकला है। ठीक है, जैसे आपने पूरा बटन को एक्सपोज किया, पूरा प्रेस करते ही ना यहाँ ये सप्लाई चल जाएगी, और ये करंट कहाँ से जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन उस तरफ हिट करेंगे एनोड को, और वहाँ होगी अपनी एक्सरेज प्रोडक्शन। सिंपली यहाँ ये कंसेप्ट है, जो ये कह रहा है कि ये सिंपल बात कह रहा है कि करंट फ्लो सर्किट ओनली ड्यूरिंग एक्सपोजर के टाइम आपका करंट सप्लाई हो रही है यहाँ इसके अंदर। देन कह रहा है ये एक डेंजरस सर्किट है क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज है, क्योंकि हाई वोल्टेज है ताकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ फास्ट आ सके, और इस तो ये डेंजरस भी है, ये शॉक वगैरह का भी चांसेस वहाँ देखने को मिल सकते हैं। देन ये हाई वोल्टेज केबल आर गोइंग टू द एक्सरे ट्यूब आर वेरी थिक। और ये कह रहा है कि हाई वोल्टेज केबल्स, जो एक्सरे ट्यूब में आप केबल देखते हैं वो कितनी थिक होगी, कितनी बड़ी बड़ी केबल्स पाइप से आपको देखने को मिलेंगी, उन्हीं पाइप के अंदर से ये वायर जा रही है और वो क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं अपने ट्यूब को। ठीक है गाइस, देन कह रहे हैं द प्राइमरी पर्पज ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट सप्लाई द एक्सरे ट्यूब विद वोल्टेज हाई एनर्जी टू क्रिएट। सिंपली कह रहे हैं कि हाई वोल्टेज सर्किट का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन पर्पज है, वो है एक्सरे ट्यूब को सप्लाई करना और उसके साथ साथ हाई वोल्टेज एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वहाँ एक्सरेज का प्रोडक्शन किया जाए।
ठीक है गाइज। तो कुछ इस तरह इनका ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, एमएस मीटर हो गया। उसके बाद ये देखिए गाइज, यहाँ अपना करंट आ रहा है और ये अपनी ट्यूब में ट्यूब हीट होगी। ट्यूब हीट होने के बाद एनोड पे लग के ये देखिए रोटेटिंग एनोड इसके अंदर लगा है, फिर वहाँ एक्सरे प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सिंपली अपने को डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। ये छोटा सा कंसेप्ट है गाइज एक्सरे सर्किट का, बाकी इसको आप कितना भी बड़ा लेके चल सकते हो, क्योंकि एक्सरे फिजिक्स अगर आपने स्टडी किया ना, मैं आपको ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एक्सरे फिजिक्स के टॉपिक सारे कवर है। तो आज की वीडियो में इतना गाइज, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।